तो गाइस यार बेसिकली ना अब आपके एम डी ने जो है फाइनली ना यार आपके बजट लेवल के जो सीपीयू से वो लॉन्च कर दिए है। और भाई एक टाइम हुआ करता था ना जब एम डी आपको दूध का धुला हुआ करता था, बट यार बेसिकली इतनी धूर्त तो दिखाई है ना इन्होंने। मतलब जब 5000 सीरीज लॉन्च हुई थी तब हम सबको किसका वेट था, हम सबको वेट था कि भाई एक R5 5100 आएगा, 5300 आएगा, ऐसे बजट सीपीयू आएंगे 10 से 15 हज़ार के बीच में। बट भाई हमें क्या मिला, हमें मिलता है एक 5600X, ठीक है, जिसकी प्राइस होती है 27,000 26,000। तो भाई बजट पीसीस तो हम भूल ही चुके थे, ठीक है। तो यार इसका फायदा जो है वो आपके इंटेल ने उठा लिया था, और यार इंटेल ने लॉन्च कर दिए थे कोर i5 12th Gen 12 400F एंड कोर i3 12 100F, जो कि भाई मार्केट में मतलब वापस मार्केट को कैप्चर करने लगे थे। तो भाई अब यहाँ पे जो है कंपनी वालों ने कहा कि भाई मार्केट जा रहा है तो यार भाई इसको फटाफट से कैप्चर किया जाए। तो यार गाइस जो नए सीपीयूज लॉन्च किए गए हैं मैं उन सीपीयूज के बारे में बात करने वाला हूँ। बेसिकली यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है जीतन नायमा और आप सब देख रहे हैं टेक नाइट इंडिया यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग की। अगर आपका भी इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग में तो यार मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस आफ्टर शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। तो यार देखो बेसिकली ना मैं सीपीयूज की तरफ जाने से पहले ना भाई एक बहुत बड़ी खुशखबरी देता हूँ एएमडी फैन वॉर्स के लिए, ठीक है। बेसिकली ना यार मैं ये बात तो खैर अपने न्यूज़ वाली वीडियो में कवर करने वाला था, पर मैंने कहा चलो यार इसमें बता देता हूँ कि भाई अगर आपके पास A320 X370 B350 अगर लेवल के मदरबोर्ड्स है ना, जो कि तुम्हारे राइजन फर्स्ट जनरेशन के साथ आए थे, मतलब तुम जो 2017 में जिसने बनाया था ना भाई, उन मदरबोर्ड्स पे भी जो है अब तुम बायोस अपडेट करके और राइजन 5000 सीरीज के जो है सीपीयू तुम लोग चला सकते हो। तो भाई यार तुम सोच सकते हो कि भाई एएमडी जो है कितना कुछ कर रहा है भाई, मतलब ये तो मतलब मैं इंटेल की तरफ से सोच भी नहीं सकता कि इंटेल ऐसा कर सकता है, बट हाँ भाई एएमडी ने आपके ऐसा किया है। तो अगर आपके पास अगर आपका 5 साल पुराना पीसी यानी यू वांट टू अपग्रेड योर पीसी विद राइजन 5000 सीरीज ऑफ सीपीयू, तो यार आप ज़रूर जो है अपने बायोस अपडेट करके और आप जो है राइजन 5000 सीरीज का मज़ा ले सकते हैं। अब यार हम चलते हैं जो नए प्रोसेसर्स की तरफ। तो भाई ना यहाँ पे आपकी एएमडी ने लॉन्च किए हैं R5 5500 R5 5600 R7 5800 X3D। चलो देखो उसकी तरफ मैं तो बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत महंगा लेवल का सीपीयू हो जाएगा काइंड ऑफ। हम आज के वीडियो में बात करेंगे बजट सीपीयू के बारे में, ठीक है। और आपके एएमडी ने जो है तुम्हारे राइजन 5 4600 GB लॉन्च किया। बेसिकली ना 4600 GB तो 2 साल पहले ही आ जाना चाहिए था, बट भाई ऑब्वियसली यार कंपनी कोविड हो गया, ये सब हो गया, और अपना फ़ायदा देखते हुए जो है उन्होंने सीपीयू सही टाइम पर लॉन्च नहीं किया, और वो सीपीयूज खाली OEMs के लिए लॉन्च किया, लाइक तुम्हारे डेल हो गया, HP हो गया, जो OEMs बनाते हैं। बट अब वो जो है सीपीयू तुम्हारा डेस्कटॉप ग्रेड के लिए भी आ चुका है, क्योंकि भाई हम सबको पता है भाई हम 3200G और 2200G पे बिल्ड बना रहे हैं काफ़ी इतने लंबे अरसे से, तो भाई क्यों हमें एक 4300G नहीं मिला, क्यों हमें 4200G नहीं मिला। तो भाई यार उसमें मतलब वही है कि यार एक कंपनी है वो उसकी मतलब औकात पे जाती है, ठीक है, पैसे कमाने के लिए। कुछ भी हो भाई अब फाइनली जो है तुम्हारा 4600G आ चुका है APU, बट लेट्स सी क्या प्राइसिंग पे आता है 4600G, वो देखने वाली बात रहेगी। और उसके बाद 4100 भी इन्होंने लॉन्च किया काइंड ऑफ। तो यार देखो तुम्हारे में 5500 और 5600 की बात करूँ तो देखो यार दोनों में तुम्हें 6 और 12 थ्रेड देखने को मिल जाएंगे। अब यार इसमें इन दोनों में तुम्हें फ़र्क क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों में तुम्हें फ़र्क देखने को मिलेगा तुम्हारी कैश मेमोरी का। अब देखो यार कैश मेमोरी से मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, उन दोनों सीपीयूज़ में कुछ 19-20 का अंतर रहना चाहिए, बट लेट्स सी जब हाथ में आएंगे तो मैं यार आपको जो बेंचमार्क से वो ज़रूर दूंगा। और यार प्राइसिंग के बारे में बात करूंगा ना, तो यार देखो 5600 तुम्हारा काइंड ऑफ है ना 17 से 18 हज़ार के प्राइस रेंज में लॉन्च होगा, क्योंकि वो i5 12 400F को जो है कम्पीट करने के लिए बना होगा, तो काइंड ऑफ 17,000 16,000 या 18,000 के प्राइस पे जो है मार्केट में लॉन्च हो सकता है। और मैं बात करूँ R5 5500 की, तो यार वो तुम्हारा जो है i5 11 400F कह लो या फिर Core i3 12 100F कह लो, इन दोनों को जो है बीट करने के लिए बना होगा, जिसका प्राइसिंग कम से कम तुम्हारा 13,000 से 14,000 का कुछ प्राइसिंग तुम्हें रह सकता है। और मैं बात करूँ 4100 की, तो भाई बिल्कुल निचले लेवल पे अगर तुम चाहते हो कि यार भाई 10,000 के अंदर हमें कुछ बताओ, तो यार देखो मैं स्टिल नॉट रिकमेंड कि यार तुम 4100 ओल्डर जनरेशन का सीपीयू जो कि भाई तुम्हारा एएमडी ने इतना लेट चिपकाया है तुम्हें, बट हाँ खैर कुछ ना होने से तो बढ़िया कुछ है ही है, तुम वो सीपीयू भी कंसिडर कर सकते हो। तो देखो बेसिकली ये जो है तुम्हारे तीनों चारों सीपीयू हो गए अब, ठीक है। बेसिकली यार मार्केट में आने का ही वेट कर रहा हूँ मैं कि भाई मतलब क्या इनका परफॉर्मेंस रहता है, कितना प्राइस टू परफॉर्मेंस रहता है। देखो भाई
5600 तुम्हारा आ गया ना, वो तुम्हारा 3600 को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, 3600 मार्केट से खत्म हो जाएगा। 3600 एक इतना अच्छा सीपीयू था ना भाई, तुम आंख बंद करके हम लोग रिकमेंड करते थे कि भाई 3600 के साथ बिल्ड बना लो। तो भाई देखो ग्राफिक्स कार्ड जैसी हालत तो नहीं है सीपीयू मार्केट में, बट हाँ काफ़ी मतलब तुम्हें अच्छा कॉम्पिटिटिव प्राइस देखने को मिलेंगे, क्योंकि वापस जो है AMD तुम्हारा बजट सेगमेंट में उधर चुका है, और यार इंटेल का बजट सेगमेंट तो है ही है, बट इन दोनों का फाइनलाइजिंग बजट सेगमेंट हम कैसे करेंगे इनके मदरबोर्ड्स के साथ प्राइस रख के, जैसे कि तुम्हारा 5500 और तुम्हारा A520 मदरबोर्ड रख देंगे, या फिर तुम्हारा B550 मदरबोर्ड रख देंगे, या फिर तुम्हारा H610 मदरबोर्ड रख देंगे तुम्हारे i3 के साथ नए वाले के साथ। तो हम ऐसे करके कॉम्बोज बना के देखेंगे कि भाई यार सबसे सस्ता कॉम्बो और वैल्यू फॉर मनी कॉम्बो जो है वो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है। वेलसवेयर गाइस तुम्हारे क्या व्यूज है नए CPUs के बारे में मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना, और वेलसवेयर गाइस होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, और भाई लाइक वाइक तो ठीक है तुम 2000 सब्सक्राइबर करा दो, भैंस के यहाँ बहुत क्लोज है हम, तुम करा ही नहीं रहे हो। वैसे आपका आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, नहीं हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।